दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नियॉन्स कलर कीबोर्ड ऐप क्या है और आप उसे अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी नियॉन्स कलर कीबोर्ड ऐप को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करनी है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कीबोर्ड। दोस्तों जैसे सर्च कर लेंगे आपके सामने ये कीबोर्ड आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नियॉन्स कलर कीबोर्ड थीम्स, इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड करके ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप नियॉन कलर कीबोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके समय इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इस कीबोर्ड एप्लीकेशन को अपने फोन में ओपन करने के लिए सिंपली आपको इनेबल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस कीबोर्ड एप्लीकेशंस की परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों जैसे ही परमिशन को अलाउ कर देंगे उसके नाम को सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके नाम को नियॉन्स कलर कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे नियॉन कलर कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपली आपको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर कई सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख आपको होम पेज पे आपको कई सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली आपको यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड की यहाँ पे कई सारी थीम्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद आपको जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। कलर्स फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर वाले फॉन्ट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, वॉलपेपर को कैसे लगाए, कीबोर्ड को कैसे डाउनलोड करें, चलिए दोस्तों मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन कीबोर्ड को अपने फोन में यहाँ पे यूज करने के लिए, दोस्तों जैसे आप कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इन कीबोर्ड को अपने फोन में यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको कई सारे हॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी कीबोर्ड रहेंगे हॉट वाले वो कीबोर्ड आ जाएंगे। उसमें आपको 4D वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे कीबोर्ड रहेंगे वो आ जाएंगे। उसमें आपको 3D वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे 3D के कीबोर्ड रहेंगे वो यहाँ पे 3D के कीबोर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपको जिस किस कीबोर्ड को अपने फोन में यहाँ पे यूज करना चाहते हैं उस कीबोर्ड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। दोस्तों जैसे कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपली नीचे के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अनलॉक का, सिंपली आपको अनलॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे अनलॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी ऐड जाएगी, इस ऐड को आपको पूरा वॉच कर लेना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को आप वॉच कर लेंगे उसके बाद आपको इस ऐड को यहाँ पे कट कर देना है। दोस्तों इस ऐड को यहाँ पे बीच में आपको कट कर देंगे तो ये कीबोर्ड यहाँ पर आपके फोन में ओपन नहीं होगा, उसके बाद आपको फिर से ऐड देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सिंपली पूरी ऐड देखनी है, ऐड जैसे ही आपके खत्म हो जाती उसके नाम इस ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस ऐड को अब यहाँ पे खत्म होने वाले इस ऐड को मैं क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ये ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसलिए दोस्तों मैंने इस ऐड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद आप ये कीबोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मेरे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों जैसे ये कीबोर्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर कीबोर्ड में यहाँ पे मेरे थीम्स में यहाँ पे कीबोर्ड के थीम्स में अप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ये कीबोर्ड डाउनलोड होगा मैं आपको यहाँ पर मेरे थीम्स में अप्लाई कर कीबोर्ड की थीम्स में अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कीबोर्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों डाउनलोड होने के बाद इस कीबोर्ड को अपने फोन में अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड यहाँ पर मेरे अप्लाई हो चुका है, कीबोर्ड में ये थीम से अप्लाई हो चुकी है। सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कीबोर्ड आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस ऐड को आपको सिंपली यहाँ से क्लोज करना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे उसके बाद में ये कीबोर्ड आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप कीबोर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने वॉलपेपर को ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आप जिस किसी वॉलपेपर को यहाँ पर ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जिस किसी वॉलपेपर को ऐड करना चाहते हैं उस वॉलपेपर के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली आपको इस ऐड को यहाँ से क्लोज करना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को यहाँ से आप क्लोज कर देंगे उसके बाद सिंपली आपको इस वॉलपेपर को ऐड करने के लिए अप्लाई वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे अप्लाई वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसमें आपको अपने वॉलपेपर यहाँ पे कहाँ लगाना चाहते हैं, होम स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं, यहाँ से आपको चैट कर लेना है। दोस्तों जैसे चैट कर लेंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही दोस्तों चैट कर देंगे उसके बाद में ये यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी ऐड जाएगी, इस ऐड को यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ से कट करना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को यहाँ पर आप कट कर देंगे उसके बाद में ये
जो भी आपने वॉलपेपर चैट किया होगा वो वॉलपेपर यहाँ पर आपके अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं, और आप थीम्स कैसे डाउनलोड, अलग अलग फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, फॉन्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पे फॉन्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं वो फॉन्ट आ जाएगी। तो जिस चीज़ की फॉन्ट को यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली इस फॉन्ट के आगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड का, सिंपली आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी ऐड जाएगी, इस ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज करना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को क्लोज कर देंगे उसमें आपको सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉन्ट्स ऐड किए थे वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है और मेरे अप्लाई भी हो चुकी है। सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ऊपर की तरफ। दोस्तों जैसे ही डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी ऐड जाएगी, इस ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज करना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को क्लोज कर देंगे तो ये आपके जो भी फॉन्ट रहेगी वो फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिकर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये स्टिकर भी आपके डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको कीबोर्ड के यहाँ पर कोई भी साउंड ऐड करना चाहते तो यहाँ से साउंड ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आपको अलग अलग स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशंस को दोस्तों नियॉन्स कलर कीबोर्ड एप्लीकेशंस को आप इस प्रकार अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो हमें कमेंट करके जो बताना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।